नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु प्रताप सिंह और अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, ये हमारा टैली ERP9 का लेक्चर नंबर 15 है। जो फ्रेंड्स इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं वे ज़रूर देखें ताकि ये अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे पैकेज एंड पैकिंग। दोस्तों, आइए हम लोग एक बार जरा समझ लेते हैं कि पैकेज एंड पैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट दोस्तों, ये सुपरमार्केट है और ये क्या करता है, कोई भी सामान थोक में लेके आता है और उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये शुगर लेके आया, ये 100 kg की पूरी पूरी बोरी ले लिया शुगर की और इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड किया। 1 kg का पैकेट, 2 kg पैकेट और 5 kg पैकेट। तो दोस्तों, अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड करके और पैकेट के हिसाब से ये अपना सामान बेच रहा है। तो इसमें हम लोग दोस्तों देखेंगे कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह का काम करती है तो वो उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेगी और इसको कैसे मैनेज करेगी टैली पे। दोस्तों, मान लीजिए एक कोई शॉपकीपर है, वो ऐसा करता है, या कोई सुपरमार्केट वाला करता है, या कोई मॉल्स वाला करता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग टैली पे कैसे मैनेज करेंगे ये हम लोग को देखना है। तो दोस्तों, आइए हम लोग टैली में चलते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट नंबर 10। इसमें आपका कैपिटल दिया हुआ है, बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल, परचेज एंड सेल्स। दोस्तों, इसमें हम लोग परचेज करेंगे। शुगर 100 kg की पूरी बोरी परचेज करेंगे 30 rupees के रेट से। और बोरी परचेज करने के बाद एक स्टॉक जनरल का वाउचर होता है दोस्तों, ऑल प्लस F7 करने से आएगा। उसमें जाके हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देंगे। 1 kg का 30 पैकेट बनाएंगे, 2 kg के 20 पैकेट बनाएंगे और 5 kg के 6 पैकेट बनाएंगे। अब ये पूरा पूरा हमारा 100 kg कंज्यूम हो गया दोस्तों। ये बनने के बाद जब हम स्टॉक समरी में जाके उसका रिपोर्ट देखेंगे तो हमारा स्टॉक समरी में ये स्टॉक गायब हो जाएगा और ये तीनों चीज़ें हमारे पास शो करने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों, हम सेल्स में जाएंगे और ये चीज़ें हम सेल कर देंगे। शुगर 20 पैकेट सेल करेंगे, शुगर 2 kg 10 पैकेट और शुगर 5 kg 5 पैकेट हम लोग सेल कर देंगे। तो दोस्तों, आइए टैली में चलते हैं और देखते हैं कि इसको हमें कैसे मैनेज करना है। दोस्तों, टैली में जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। इसमें ये कंपनी बनी हुई है पैकेज एंड पैकिंग के नाम से, पैकेजिंग के नाम से। इसमें हमने जो लेजर्स जरूरी हैं, जो नेसेसरी लेजर्स हैं, वो हमने बना रखे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं लेजर्स। ऑल्टर, ये लेजर्स दोस्तों हमारे पास बने हुए हैं, कैपिटल का है, परचेज का है और सेल्स का है। ये हमने लेजर्स बना लिए हैं। इसके बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप पे जाके एक शुगर का ग्रुप बना लेंगे। शुगर
कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडेड? यस। बाहर आएंगे दोस्तों, यूनिट क्रिएट करेंगे यहां से, केजी, पैकेट, दो यूनिट क्रिएट हो गया। इसके बाद स्टॉक आइटम पे जाएंगे दोस्तों और यहां से आइटम क्रिएट कर लेंगे। सुगर 100 केजी की बोरी रहेगी पूरी। सुगर इसका अंडर ग्रुप होगा और यहां से हम ले लेंगे केजी। इसके बाद दोस्तों सुगर 1 केजी पैकेट होगा, अंडर सुगर होगा और पैकेट यूनिट होगा। सुगर 2 केजी पैकेट होगा, अंडर सुगर होगा और यहां से पैकेट यूनिट होगा। इसी तरह से दोस्तों सुगर 5 केजी, ये हो गया हमारे पास सुगर पैकेट, ये हो गया, ये हमारे पास इन्वेंट्री क्रिएट हो गई दोस्तों। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सुगर 100 केजी की पूरी बोरी और 1 केजी का पैकेट, 2 केजी का पैकेट और 5 केजी का पैकेट हमने इन्वेंट्री क्रिएट कर ली। अब दोस्तों इसके बाद बाहर आएंगे, इसके बाद दोस्तों वाउचर एंट्री पे चलेंगे हम लोग, अकाउंटिंग वाउचर में, और यहां पे हम लोग चल के सुगर परचेज कर लेते हैं। F9 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री कर देते हैं ताकि हमारा कैश नेगेटिव ना शो करे। F6 प्रेस किया, रिसिप्ट कैपिटल, 10 लाख रुपए कैपिटल लगा दीजिए। ये दोस्तों कैपिटल की एंट्री हो गई आपकी। इसके बाद दोस्तों F9 प्रेस करेंगे और हम परचेज में चले जाएंगे, सामान परचेज करेंगे। कैश हमने परचेज कर लीजिए, कर लिया। कंट्रोल ए करेंगे, स्किप करके परचेज पे आ जाएंगे। यहां पे हमें क्या परचेज करना है दोस्तों, सुगर 100 केजी की एक बोरी बस परचेज करना है। क्वांटिटी 100 केजी, रेट 30 रुपीज के रेट से हमने परचेज कर ली। ये 3000 अमाउंट का दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3000 अमाउंट का हमने सामान खरीद लिया, सुगर खरीद ली, चीनी। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब जरा एक बार स्टॉक व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक समरी में आइए, ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करेंगे, डिटेल्स शो करेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सुगर 100 केजी की बोरी, 100 केजी हमारे पास है 30 रुपए के रेट से, 3000 का पूरा सामान हमारे पास पड़ा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हम बाहर आएंगे, अगेन अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और यहां पे ऑल्ट प्लस F7 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। अब दोस्तों ये देखिए हमारा यहां पे स्टॉक जर्नल आ गया और इस साइड पे यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा हुआ है सोर्स कंजम्पशन, यानी कि क्या चीज हमें कंज्यूम करनी है, और डेस्टिनेशन राइट साइड में लिखा हुआ है डेस्टिनेशन प्रोडक्शन, यानी कि क्या चीज हमें प्रोडक्ट बनानी है। तो दोस्तों सोर्स कंजम्पशन में हम ले लेंगे सुगर 100 केजी की बोरी, यहाँ पे 100 केजी ले ली हमने, रेट सेम रहेगा। अब हमें क्या क्या यहाँ पे बनाना है, 1 केजी सुगर, 1 केजी का जो पैकेट है ये हमें 30 पैकेट बनाने हैं। और अब दोस्तों पैकेट का रेट लगेगा, किलो का रेट नहीं लगेगा क्योंकि हम पैकेट्स में सामान दे रहे हैं, और ये 45 रुपीज पर पैकेट। इसके बाद दोस्तों सुगर 2 केजी का हम बनाएंगे, यहां पे आइए दोस्तों असाइनमेंट्स चेक कर लीजिए। ये देखिए असाइनमेंट्स में आइए, ये यहां पे पूरा दिया मैंने, लिख रखा है यहाँ पे कि कैसे कैसे बनाना है क्वांटिटी। अब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 30 और ये 40 किलो हो गया, 40 और 30 70, और ये हो गया आपका 30 किलो, 100 किलो पूरा पूरा कंज्यूम हो रहा है।
दोस्तों यहाँ टैली में देखिए, शुगर 2 kg पैकेट, 20 पैकेट बनाएंगे हम, और ये हमारा ये दोस्तों रेट यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे ये हमारा होगा 85 रुपीज पर पैकेट, और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 200 रुपीज पर पैकेट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा 85 रुपीज पर पैकेट, क्योंकि दो पैकेट जब वो खरीदेगा तो उसको 5 रुपए सस्ता मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमने किया यहाँ पे शुगर 5 kg, 5 kg के 6 पैकेट बनेंगे, और यहाँ पे ये आपका 200 रुपीज पर पैकेट पड़ेगा दोस्तों। तो अगर वो 5 किलो का पैकेट खरीदेगा तो उसको और सस्ता पड़ेगा कस्टमर को। ये दोस्तों हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। ये हमारा स्टॉक जनरल हो गया दोस्तों। बाहर आएंगे, अब स्टॉक समरी पे चलिए। यहाँ पे स्टॉक समरी, यहाँ पे देखेंगे ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करिए शॉर्टकट की। अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो आपका पहले 100 kg की बोरी शो कर रहा था, अब यहाँ पे शुगर 1 kg का पैकेट 30 पैकेट है आपके पास, 2 kg का 20 पैकेट है, और 5 kg का 6 पैकेट आपके पास है। अब दोस्तों इसे अगर हमें सेल करना है, बेचना है, तो स्किप करके हम बाहर जाएंगे और अगेन अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे सेल्स करने के लिए। सेल्स में गए, कैश दोस्तों इसको कंट्रोल ए करेंगे, ये पूरा स्किप हो जाएगा। सेल्स, और यहां पे हम ले लेंगे शुगर। अब दोस्तों यहां पे देखिए सेल किस किस क्वांटिटी में करना है। दोस्तों सेल हमें करना है शुगर 1 kg का 20 पैकेट और 2 kg का 10 पैकेट, 5 kg का 5 पैकेट। शुगर 1 kg का 20 पैकेट सेल करना है 45 रुपीज पर पैकेट के रेट से, शुगर 2 kg का पैकेट लेंगे दोस्तों, ये हमें सेल करना है 10 पैकेट और 85 रुपीज के रेट से, शुगर 5 kg का पैकेट लेंगे दोस्तों, ये हमें सेल करना है 5 पैकेट और 200 रुपीज के रेट से। दोस्तों ये हमने सामान सेल कर दी, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। ये हमारा हो गया दोस्तों। अब इसके बाद बाहर आइए, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करके दोस्तों डिटेल देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा परचेज अकाउंट है और ये हमारा सेल्स अकाउंट है, ये पूरा शो कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बाहर आएंगे, स्टॉक समरी मेन होता है हमारा, स्टॉक समरी हमें चेक करना है इसमें। अब देखिए दोस्तों 1 kg का 10 पैकेट हमारे पास बचा हुआ है, यहाँ पे 2 kg का भी 10 पैकेट बचा हुआ है, और 5 kg का हमारे पास 1 पैकेट बचा हुआ है। दोस्तों बाहर आएंगे स्किप करके, ये हमारा क्लोज हो गया। दोस्तों ये हमारा पैकेज एंड पैकेजिंग वाला टॉपिक आज का फिनिश्ड हो गया। इसमें कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग हमको मेल कर सकते हैं, लास्ट में मेल आईडी आपको प्रोवाइड करा जाएगा। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर, या अपनी कंप्यूटर पाठशाला जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पर मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।